Majapal sir from Vivekananda Senior Secondary School Bani. Now we start the exercise question answer of class 7th, chapter 9th, soil, subject science. Question number first. In addition to the rock particle, the soil contain. उन्होंने बोला है कि soil के अंदर rock particles तो होते ही होते हैं और क्या कुछ soil के अंदर होता है? एयर, फर्स्ट ऑप्शन इज एयर एंड वाटर, सेकंड ऑप्शन इज वाटर एंड प्लांट्स, थर्ड ऑप्शन इज मिनरल ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर, वाटर एयर एंड प्लांट्स। तो थर्ड ऑप्शन इज वेरी नाइस बिकॉज इन सोयल द मैनी पार्टिकल्स आर कंटेन लाइक द मिनरल्स ऑर्गेनिक मैटर एयर वाटर ह्यूमस। ओके तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज हाईएस्ट इन। सबसे ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसकी होती है? फर्स्ट ऑप्शन इज सैंडी सोयल, सेकंड ऑप्शन इज लोयमी सोयल, क्ले सोयल, थर्ड ऑप्शन इज लोयमी सोयल एंड फोर्थ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड लोयल। तो इसका आंसर रहेगा क्ले सोयल बिकॉज क्ले सोयल्स हैव वेरी फाइन पार्टिकल्स। उसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, जिनके अंदर जो पानी है वो ज़्यादा ट्रैप हो जाता है, वो अपने में से पानी को रिसने नहीं देती, इसलिए वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा क्ले सोइल की होती है। क्वेश्चन नंबर थ्री, मैच द आइटम इन कॉलम वन एंड दोज इन कॉलम सेकेंड। कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकेंड की मैच करनी है आपने। चलो लेट्स स्टार्ट। कॉलम फर्स्ट में क्या लिखा है? ए होम फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए घर का काम कौन करता है? तो ऑप्शन एक बार सारे पढ़ लेते हैं। लार्ज पार्टिकल के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं, ऑल काइंड ऑफ सोयल ये सही हो सकता है, डार्क इन कलर नो, स्मॉल पार्टिकल एंड पैक्ड टाइट लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस। तो इसमें आएगा ऑल काइंड ऑफ सोयल, कहने का मतलब हर एक सोयल के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते ही रहते हैं। तो सेकंड पॉइंट इज अपर लेयर ऑफ द सोयल, सबसे ऊपर वाली लेयर के अंदर ह्यूमस ज़्यादा प्रेजेंट होता है, और ह्यूमस ज़्यादा प्रेजेंट होगा तो वो डार्क होगी कलर के अंदर। थर्ड पॉइंट इज सैंडी सोयल, आपको पता सैंडी सोयल के पार्टिकल लार्ज होते हैं, तो फर्स्ट ए लार्ज पार्टिकल आएगा इसका आंसर। मिडल लेयर ऑफ द सोयल, मिडल लेयर के अंदर आपको पता है ह्यूमस कम होने लगता है आगे आगे, तो इसका ऑप्शन लास्ट लेस अमाउंट ऑफ द ह्यूमस। क्ले सोयल, क्ले सोयल के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं स्मॉल होते हैं और पैक्ड टाइट और आपस में पास पास होते हैं। तो ये सारे ऑप्शन हैं, एक बार मैं दोबारा आंसर पढ़ देता हूँ। ए होम फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल काइंड ऑफ सोयल, अपर लेयर ऑफ द सोयल डार्क इन कलर, सैंडी सोयल लार्ज पार्टिकल, मिडल लेयर ऑफ सोयल लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस, क्ले सोयल स्मॉल पार्टिकल एंड पैक्ड टाइट। तो ये सारा हमारा क्वेश्चन थर्ड का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, एक्सप्लेन हाउ सोयल इज फॉर्म्ड। आपने ये बताना है कि सोयल कैसे बनती है। तो आंसर, सोयल इज फॉर्म्ड बाय वैदरिंग ऑफ रॉक्स। वैदरिंग का मीन्स यहाँ पे क्या है कि रॉक्स के ऊपर मौसम का प्रभाव पड़ता है, हवा पानी, वो जो रॉक हैं बड़ी बड़ी चट्टाने हैं वो कभी गिरती हैं कभी पानी के अंदर बहती हैं, तो हवा से इधर उधर होते हैं, तो वेदर मौसम के कारण वो रॉक्स छोटे छोटे पार्टिकल के अंदर टूट जाती है और इससे सोयल बनती है। वेदरिंग इज ब्रेक डाउन ऑफ रॉक बाय एक्शन ऑफ एयर विंड एंड वाटर। तो ये लिखा भी हुआ, वेदरिंग क्या है? रॉक का ब्रेक डाउन होना किसके द्वारा? एयर विंड और वाटर के द्वारा। सोयल फॉर्मेशन इज स्लो प्रोसेस, स्लो सोयल फॉर्मेशन स्लो प्रोसेस है, इट ऑकर ऑल द टाइम, ये हमेशा चलता ही रहता है। सोयल फॉर्मेशन इज टू स्टेप प्रोसेस, वैदरिंग रॉक टेक प्लेस, रॉक इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल, दीज स्मॉलर पार्टिकल्स मिक्स विद ह्यूमस एंड फॉर्म सोयल। ये छोटे छोटे पार्टिकल ह्यूमस के साथ मिक्स होते हैं, ह्यूमस आपको पता है ऑर्गेनिक मैटर, गोबर एक्सेट्रा, लीव्स हो जाती है, एनिमल वेस्ट हो जाता है, तो ये सारा ऑर्गेनिक मैटर होता है।
हाउ क्ले सोयल इज यूजफुल फॉर क्रॉप्स। क्ले सोयल कैसे यूजफुल होती है क्रॉप्स के। क्ले सोयल इज रिच इन ह्यूमस एंड वेरी फर्टाइल। क्ले सोयल के अंदर ह्यूमस बहुत ज़्यादा होते हैं और फर्टाइल बहुत ज़्यादा होती है। सो इट इज सूटेबल फॉर ग्रोइंग सीरियल्स लाइक वीट एंड ग्राम। सच सोयल इज गुड फॉर रिटेनिंग वाटर। तो क्ले सोयल के अंदर ह्यूमस सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी होती है, प्लांट की ग्रोथ ज़्यादा होती है। वीट और ग्राम पैडी के लिए सबसे ज़्यादा है क्योंकि ये पानी को ज़्यादा रिटेन रखती है अपने अंदर। फॉर पैडी सोयल रिच इन क्ले ऑर्गेनिक मैटर एंड हैविंग ए गुड कैपेसिटी ऑफ रिटेन वाटर आर आइडियल फॉर लटेंसिल्स मसूर एंड अदर पल्सिस। लोयमी सोयल विच ड्रेन वाटर इजली आर रिक्वायर्ड। तो जो दालें होती हैं उनके लिए लोयमी सोयल परफेक्ट होती है। ओके तो ये आपके आज 5 क्वेश्चन हैं जो आपने डिस्कशन किए हैं चैप्टर नंबर 9 सोयल के हैं। तो ये All questions you write down on your fair notebook and complete your notebook. I hope you will understand this question. आपने क्या करने हैं, ये सारे क्वेश्चन अपनी फेयर नोटबुक पे लिखने हैं, राइटिंग साफ करनी है और आई होप आप लिखोगे अच्छे से, इनको पढ़ोगे। ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होने के बाद आपका इस चैप्टर का टेस्ट लिया जाएगा। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। जिन बच्चों की नोटबुक कंप्लीट नहीं है वो डेली अपनी नोटबुक कंप्लीट करें और पीछे भी आपकी अगर नोटबुक पड़ी हुई है क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज के नहीं लिखे तो वो भी लिखे। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।